For the gas phase reaction, C2H4 plus H2 gives C2H6, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. क्या है? C2H4 plus H2 C2H6 दे रहा है एंड द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. ओके, कैरीड आउट इन अ वेसल द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2H4 कैन बी इंक्रीज्ड बाय. किसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी है हमें? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हम इंक्रीज करना चाहते हैं. तो बोलते हैं कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. और एक रिएक्शन, ये रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक है. ठीक है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट भी देखेंगे हम. ऑलराइट, सबसे बोल रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है. तो अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमने क्या डिस्कस किया था सेकेंड क्वेश्चन में, आई थिंक थर्ड में, टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन कहाँ जाती है? जिस भी डायरेक्शन में रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी ना, वही फेवरेबल होगी, है ना. तो बैकवर्ड फॉरवर्ड भूल जाया करो. टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन कहाँ फेवर होगी? जहां पे भी रिएक्शन एंडो होगी, वो चाहे फिर फॉरवर्ड में हो चाहे बैकवर्ड में हो. अब फॉरवर्ड में तो दिख रहा है एक्सोथर्मिक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन कहाँ जाएगी? जहाँ एंडोथर्मिक है. मतलब यहाँ पे कहाँ शिफ्ट होगा इसका? बैकवर्ड डायरेक्शन. बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी. अब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, इसका मतलब C2H4 क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. बिल्कुल, यहाँ पे कहाँ शिफ्ट होगा? बैकवर्ड. देयरफॉर C2H4 तो इंक्रीज करेगा. तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. बी क्या बोल रहा है? रिमूविंग सम H2. H2 को क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं. तो अगर रिएक्टेंट का अमाउंट कम करते हैं तो रिएक्शन चाहेगी उसको बढ़ाना, मतलब कि रिएक्शन फिर से बैकवर्ड में जाएगी. C2H4 फिर बढ़ेगा, तो ये भी बैकवर्ड ही मूव कर रहा है. इसके तो एक से ज्यादा आंसर है, टू भी सही है. थर्ड, डिक्रीजिंग द प्रेशर. प्रेशर कम करेंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? जहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है. नंबर ऑफ मोल्स कहाँ ज्यादा है? बैकवर्ड डायरेक्शन में. अगेन, तो मोल्स, प्रेशर कम करने से रिएक्शन कहाँ जाएगी? जहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है. तो नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा कहाँ है? बैकवर्ड. ये भी बैकवर्ड शिफ्ट करेगा. फोर्थ ऑप्शन, एडिंग सम CH2H6. प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं. C2H6 क्या है? प्रोडक्ट ही तो है. प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड. ये भी बैकवर्ड ही जा रही है. सारे आंसर करेक्ट है. ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है. क्योंकि C2H4 को इंक्रीज करने के लिए कह रहे हैं, तो C2H4 तो तभी इंक्रीज होगा जब रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी? बैकवर्ड शिफ्ट होगी. तो ऑल द फोर आंसर्स आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. एक बार C2H6 का करके देखते हैं कि हो सकता है C2H6 देना चाह रहा हूँ क्वेश्चन में. नहीं, पर उससे तो वैसे भी नहीं होगा. C2H6 अगर इंक्रीज करना है तब भी ये चारों कंडीशन में से कुछ अप्लाई नहीं हो रही. इसका एक ई ऑप्शन बना लेते हैं, ऑल ऑफ द अबव, व्हिच इज करेक्ट. ठीक है, सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं इसमें.